हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको फेसबुक पे अपना नाम बदलना है तो आप किस तरीके से फेसबुक पे अपना नाम बदल सकते हो। कई सारे दोस्तों सेटिंग्स आ चुके हैं फेसबुक में नाम चेंज करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया हुआ है फेसबुक में नाम बदलना। अगर दोस्तों आपको भी फेसबुक में नाम बदलने में परेशानी हो रहा है, यानी कि आपने पहले कुछ और नाम रखा था और अगर अभी आप अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आप हमारे आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा MD नूरेन नाम से कोई ये प्रोफाइल है, ठीक है। और इसको अगर आपको चेंज करना है अपना फेसबुक में अपना नाम जो है वो चेंज करना है, तो आप किस तरीके से चेंज कर पाओगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों फेसबुक में अपना नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना। जो लेटेस्ट वर्जन होगा ना, उस एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको अपडेट करके लेकर आ जाना है। अपडेट कैसे करेंगे आप, प्ले स्टोर में जाकर फेसबुक लिखेंगे और वहां से आप अपडेट कर लेंगे। अगर दोस्तों आपका फेसबुक अपडेटेड है ऑलरेडी, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करना है और इसमें आपको लॉगिन कर लेना है। मैंने यहां पे ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, नाम बदलना है, तो उसके लिए आपको ऊपर में दिए गए इस 3 लाइन पर आपको एक बार क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स नज़र आएंगे। आपको नीचे आना है, यहाँ पे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों जब आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा, सिंपली आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों जब आप इतना कर लेते हैं, अभी अपडेट के बाद में क्या हुआ है कि ये एक नया फॉर्म आया है, नया एक सेटिंग आया है। यहाँ पर दोस्तों आपको मेटा अकाउंट सेंटर देखने को मिलेगा, आपको इसके जस्ट नीचे में सी मोर इन अकाउंट सेंटर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस और सेटिंग्स नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली प्रोफाइल के आइकन पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको नेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर और अवतार का। सिंपली आपको नेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट या चूज़ करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको जैसे ही जब आप अपने नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, यानी कि आपका जो नाम होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको अपना नाम बदलना है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो पहला नाम होगा आप इसे हटाकर उसे यहाँ पर टाइप करेंगे, और यहाँ से भी दोस्तों आप इस नाम को हटा के अपना जो दूसरा वाला नाम होगा उस नाम को आपको सिंपली यहाँ पर टाइप कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों मैं जिलानी अंसारी से यहाँ पे अब्दुल कादिर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। और दोस्तों आप एक सेटिंग को ज़रूर यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे 60 डेज़ का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो वो ये है कि अगर आपने एक बार अपना नाम चेंज करा तो उसके बाद में 60 दिनों के बाद ही आपका नाम जो है वो यहाँ से चेंज होगा, उससे पहले आपका जो नाम है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। उसके बाद में हमें रिव्यू चेंज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, जो कि नीचे में ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, अब्दुल कादिर या फिर कादिर अब्दुल, यानी कि आप लास्ट वाले नाम को पहले रखना चाहते हैं या फिर जैसे आपने टाइप करा है उसे वैसे ही रहना देना चाहते हैं। आपको इसे सिलेक्ट करने के बाद में सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों न्यू अपडेट नेम अपडेट ऐसा हो गया हुआ है, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब्दुल कादिर यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से अपना फेसबुक पर जो नाम है वो बदल पाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जाकर के DM करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।